दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सुनाऊंगा आखिर राजा जनक ने सीता स्वयंवर में अयोध्या नरेश राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। जी हाँ दोस्तों, पूरी कथा पूरी कहानी इस वीडियो में मैं आप सभी को विस्तार से बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। दोस्तों राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ था। जब वह पहली बार सज संवर कर ससुराल के लिए चला तो वह रास्ते में चलते चलते एक जगह उसको दलदल मिला जिसमें एक गाय फंसी हुई थी जो लगभग मरने के कगार पर थी। उसने विचार किया कि गाय तो कुछ ही देर में मरने वाली है तथा कीचड़ में जाने पर मेरे कपड़े तथा जूते खराब हो जाएंगे। अतः उसने गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा गाय ने तुरंत दम तोड़ दिया तथा उसे श्राप दे दिया कि जिसके लिए तू राजा जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा, यदि देखेगा तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वह व्यक्ति अपार दुविधा में फंस गया और गौ साप से मुक्त होने का विचार करने लगा। ससुराल पहुंचकर वह दरवाजे के बाहर घर की ओर पीठ करके बैठ गया और यह विचार कर रहा था कि यदि पत्नी पर नजर पड़ी तो अनिष्ट हो जाएगा। परिवार के अन्य सदस्यों ने घर के अंदर चलने की काफी अनुरोध किया किंतु वह नहीं गया और न ही रास्ते में घटित घटना के बारे में किसी को बताया। उसकी पत्नी को जब यह पता चला तो उसने कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लाती हूँ। पत्नी ने जब उससे कहा कि आप मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे हैं तो भी वह चुप रहा। काफ़ी अनुरोध करने के बाद उसने रास्ते का सारा वृत्तांत कह सुनाया। पत्नी ने कहा कि मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरी ओर अवश्य देखें। पत्नी की ओर देखते ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के साप वश पत्नी को नहीं देख सका। पत्नी पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई और सारा कह सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई, गौ साप से निवृत्त का सटीक उपाय पूछा। सभी विद्वानों ने आपस में मंत्रणा करके एक उपाय सुझाया। यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल से उसकी आंखों में छिड़क दे तो उस व्यक्ति की दोनों आंखों पर लगा दे तो गौ साप से उसे मुक्ति मिल जाएगी और उसकी आंखों की रोशनी पुनः लौट सकती है। राजा ने पहले अपने महल के अंदर की रानियां सहित सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पतिव्रता होने में संदेह की सूचना मिली। अब तो राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना भेजी कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे सम्मान सहित राजा जनक के दरबार में भेजा जाए। जब यह सूचना राजा दशरथ नरेश अयोध्या नरेश को मिली तो उसने पहले अपने सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या, आप राज्य के किसी भी महिला यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली जो उस समय अपने कार्यों के कारण सबसे निम्न श्रेणी की मानी जाती थी उससे भी पूछेंगे तो वह भी पतिव्रता पाएंगे। राजा दशरथ को यह समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उसने राज्य की सबसे निम्न माने जाने वाली साफ सफाई करने वाली को बुलाया और उसे पतिव्रता होने के बारे में पूछा। उस महिला ने स्वीकृति देते हुए अपना गर्दन हिलाया। तब राजा ने यह दिखाने कर ली अयोध्या का राज सबसे उत्तम होगा, उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुर को भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला को पूर्ण राजसी ठाट बाट से सम्मान किया और उसे समस्या बताई। महिला ने कार्य करने की स्वीकृति दे दी। महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना की, हे गंगा माता,
यदि मैं पूर्ण प्रतिबद्धता हूँ तो गंगा जल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छलनी में पूरा भर लिया और पाया कि जल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी। तब उसने यह सोच कर कि यह पवित्र गंगा जल कहीं रास्ते में छलक कर नीचे न गिर जाए, उसने थोड़ा सा गंगा जल नदी में ही गिरा दिया और पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार में चली आई। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे तथा उस महिला को हुई उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया और पूर्ण राज सम्मान देकर काफी पारितोषित दिया। उस समय उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित हो गए। सीता स्वयंवर के समय यह विचार करके जिस राज्य की सफाई करने वाली महिला इतनी प्रतिभावान हो सकती है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार से किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया तो वह तो धनुष को आसानी से संधान कर सकेगा और कहीं राजकुमारी किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति के अपना वर न बना ले, इसलिए उन्होंने उनके पास निमंत्रण नहीं भेजा। अयोध्या नरेश को राजा जनक ने निमंत्रण इसलिए नहीं भेजा किंतु विधाता की लेखनी को कौन मिटा सकता है। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुर पहुंच ही गए और धनुष तोड़कर राजकुमार राम ने माता सीता से विवाह कर ही लिया। दोस्तों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो में अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने सभी सगे संबंधी और रिश्तेदारों तक अवश्य शेयर करें। और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जय जय श्री राम।